हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं एटगेट अभ्यास पुस्तिका अंग्रेजी कक्षा 6, जो आपको 2024-25 से भरने के लिए मिली हुई है। इसका हम यहाँ पर लेसन 5 देखने वाले हैं, जिसका नाम है द स्टार। ये हमारा 5वां वीडियो है इस किताब का। यदि आपने पिछले 4 वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के लास्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगे, तो आप वहाँ का जाकर देख सकते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पर। तो हमारा जो पहला यहाँ पर होने वाला है क्वेश्चन, वो आपका यहाँ पर दिया गया है, क्या दिए गए हैं। तो आइए यहाँ पर शुरू करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट, यानी सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है द स्टार शाइंस लाइक, यानी तारे चमकते हैं इन द स्काई, यानी आकाश में, यानी किसकी तरह तारे चमकते हैं आकाश में। ऑप्शन है पहला सिल्वर, दूसरा गोल्ड, तीसरा डायमंड, चौथा है कॉपर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा आ डायमंड। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है हु थिंक्स द स्टार इन द डार्क, यानी तारों का जो यहाँ शुक्रिया कौन करता है। ऑप्शन है पहला ट्रैवलर, टीचर, ड्राइवर या फार्मर। तो इस पार्ट में जो तारों का है थैंक्स कौन कर रहा है, ट्रैवलर, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है तीसरा, उसका देख लेते हैं क्या दिया है। तो यहाँ पर लिखा है व्हेन द सन डज नॉट शाइन इट बिकम्स, जब सूर्य नहीं चमकता है तब क्या होता है। ऑप्शन है लिखा ग्लिटरिंग, डार्क, शाइनी, स्पार्कलिंग। तो इसका सही हो जाएगा डार्क, यानी जब सूर्य नहीं चमकता है तो चारों ओर क्या हो जाता है, अंधेरा। डार्क यानी अंधेरा होता है। इसके बाद अगला दिया गया है द वर्ड टिनी स्पार्क डिस्क्राइब्स द लाइट ऑफ द, ऑप्शन दिए गए हैं मून, सन, स्टार या फायर। तो इसका सही हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, स्टार। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 5वां आपका। तो यहाँ पर लिखा है विच वर्ड बेस्ट मैच द पिक्चर, यानी यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, आप देख सकते हैं ये किस चीज़ का चित्र दिया गया है, आपको इसके बारे में बताना है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, आइए देखते हैं। तो ऑप्शन है आपके डायमंड, स्टार, मून या सन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये है डायमंड, यानी हीरे का चित्र। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका दिया गया यहाँ पर, खाली स्थान भरने हैं आपको। देखिए क्या दिया गया खाली स्थान में, तो इनको देख लेते हैं। तो लिखा है सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यह आपका दिया गया है बॉक्स, इसमें आपको शब्द दिए गए हैं, इनसे ही आपको इनके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो पहला लिखा है द ब्राइट एंड टिनी स्टार द ट्रैवलर, तो इसमें आपको भरना है, यहाँ पर सही हो जाएगा पहले भरना लाइट। दूसरे में आ ट्रैवलर कैन नॉट व्हेन इट इज़ डार्क, तो इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा सी। इसके बाद 8वें में है द अपोजिट ऑफ डल, तो डल का क्या अपोजिट हो जाएगा आपका, हो जाएगा ब्राइट। 9वां है द सिनोनिम ऑफ लिटिल, लिटिल का सिनोनिम है आपका स्मॉल। 10वां है अ पर्सन हु कैन नॉट सी इन इज कॉल्ड, तो इसका हो जाएगा ब्लाइंड। तो आशा करते हैं आपने अच्छे से देख लिया होगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये दिए गए हैं आपके। तो पहले में लाइट्स भरेंगे, दूसरे में सी, तीसरे में ब्राइट, चौथे में स्मॉल और 5वें में ब्लाइंड। तो अच्छे से भर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया आपको यहाँ पर 11वां। तो इसमें देखिए 11वें क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो 11वें क्वेश्चन में दिया गया है वेयर डू द स्टार्स ट्विंकलिंग, यानी तारे कहाँ चमकते हैं। द स्टार्स ट्विंकलिंग इन द स्काई, तो ट्विंकल इन द स्काई कहाँ चमकते हैं, तो तारे आसमान में चमकते हैं। इसके बाद अगला लिखा है हाउ इज द स्पार्क मैंशनड इन द पोएम, तो स्पार्क मैंशन किया गया किसके बारे में। तो आइए इसको देख लेते हैं। तो ये दिया गया है इन द पोएम स्पार्क हैज़ बीन मैंशनड फॉर द स्टार, किसके लिए मैंशन किए गए हैं, स्टार के लिए। 13वां क्वेश्चन है राइट द राइमिंग वर्ड ऑफ, तो सिलका आपको सिलका बताना था, तो सिलका हो जाएगा फेल और हिल। इसके बाद आपको फिंगर का बताना है, तो फिंगर का देखिए ये दिए गए हैं, तो फिंगर का हो जाएगा आपका जिंजर और सिंगर। नेक्स्ट है आपका, इसमें आपको बताना था पिक द ऑड वन आउट एंड राइट, तो इनमें से अलग छांटना था। तो देखिए अलग देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये दिया गया है सन, स्टार और इसका, ये आपके ऊपर वाले हैं मतलब आसमान में हैं, जबकि रिवर आपकी धरती पर होती, इसलिए ये अलग हो जाएगा, ये नीचे लिख देना है आपको इस प्रकार से। अब अगला क्वेश्चन है आपका 15वां। तो 15वें क्वेश्चन में क्या दिया गया है देख लेते हैं। तो देखिए ये लिखा है, तो यहाँ लिखा है वेयर इज समथिंग विच शो द लाइट व्हेन द ब्लीजिंग सन गोज अवे, व्हाट इज इट, तो इसका हो जाएगा इट इज स्टार्स विच शोज द लाइट व्हेन द ब्लेजिंग सन गोज अवे। तो ये कंप्लीट कर लेंगे इसको। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया आपका 16वां।
तो लिखा हुआ है हु कुड सी नॉट नॉट सी विच वे टू गो, तो इसका हो जाएगा द ट्रेवलर कुड नॉट सी विच वे टू गो। तो हु की जगह पर क्या लगाना है, द ट्रेवलर, इसके बाद आंसर पूरा वही है। अगला क्वेश्चन है 17वां, तो इसको देख लेते हैं। ये दिया गया क्वेश्चन नंबर 17, तो इसमें देखिए क्या लिखा है, व्हेन डू लुक एट स्टार्स एट नाइट व्हाट यू थिंक दे टू, तो यहाँ पर हो जाएगा, तो इसका देखिए दे आर ट्विंकलिंग एट नाइट, तो ये आंसर लिखेंगे इसका। इसके बाद अगला लिखा है रीअरेंज द जम्बलिंग लेटर्स एंड राइट द मीनिंगफुल वर्ड्स, तो जो शब्द दिए गए हैं इनको आपको रीअरेंज करना है। तो ये आपकी स्पेलिंग है ट्विंकल की, टी डब्ल्यू आई एन के एल ई, और दूसरी आपकी जो स्पेलिंग दी गई है वो डायमंड की है, तो ये डायमंड की है तो डी आई ए एम ओ एन डी हो जाएगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, तो ये रहा अगला क्वेश्चन, आपको रीअरेंज करना है इनको 19वें क्वेश्चन में। तो यहाँ पर लिखा है रीअरेंज द सेंटेंसेस एंड री राइट देम इन पैराग्राफ, राइट देम करना है पैराग्राफ में। तो यहाँ पर ये 5 वाक्य दिए गए हैं, इनको आपको स्टोरी के हिसाब से आपको लाइन से लगाना है। तो देखिए किस प्रकार से लगाएंगे आप लाइन से, तो आप देख सकते हैं पहले लगाएंगे ये वाला द सन वाज एक्सट्रीमली हॉट, यानी सूर्य बहुत गर्म था। फिर लगाएंगे इट वाज हायर समर, क्योंकि बहुत गर्मी थी, ठीक है, जब बहुत सूर्य निकलेगा तो बहुत गर्मी होगी। इसके बाद क्या लिखाएंगे, फिर लिखेंगे टू ट्रेवलर्स वर गोइंग अलोंग अ डस्टी रोड एंड हैड दैट हैड नो ट्रीज, तो इसके बाद फिर वो क्या करेंगे, वो ऐसी दो जो ट्रेवलर्स थे वो जा रहे थे जो गर्दा वाली जो रोड थी उससे, जहाँ पर कोई पेड़ नहीं था। फिर क्या किया यहाँ पर, लुकिंग फॉर समवन शेल्टर फ्रॉम द सून सन दे सा अ ट्री विथ बिग ब्रांचेज, यानी वो एक क्या है कि एक छाया वाला देख रहे थे जहाँ वो सूर्य से बच सकें, बड़ी ब्रांचेस वाला, तो उन्होंने ढूंढा। इसके बाद हो जाएगा दे बेंट एंड सेट अंडर द थिक ब्रांचेज ऑफ द ट्रीज, फिर उन्होंने क्या है कि जो लंबी शाखाओं वाला पेड़ था उसकी नीचे शरण ली। तो ये आपके लगाए गए हैं, तो आपको इस प्रकार से लगाने हैं, देखिए तो अच्छे से लगा लीजिएगा। तो ये आपके यहाँ पर लिखे हैं, तो अच्छे से इसको लिख लीजिए, ठीक है, ये लाइन अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन दिया गया आपका 20, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। तो 20 में क्या दिया गया है, रीड द फॉलोइंग स्टैंजा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिविंग बिलो, तो यहाँ पर इसको अच्छे से पढ़ना है और नीचे दिए क्वेश्चनों के आंसर देना है। तो पहला दिया है व्हेन डू द स्टार्स शो देयर लिटिल लाइट, तो यानी कब जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं तारे, तो इसका हो जाएगा व्हेन नथिंग शाइंस इन द स्काई, जब कुछ नहीं चमकता है तारे चमकते हैं उस समय। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, तो अगला क्वेश्चन ये दिया गया है, तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, इसको देख लीजिए, हाउ डू द स्टार्स शाइन ऑल द नाइट, तो यहाँ पर हो जाएगा रात भर तारे किस प्रकार चमकते हैं, तो यहाँ पर टिमटिमाते हैं, ट्विंकल ट्विंकल। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया आपका, तो यहाँ पर देख लीजिए ये लिखा है व्हाट डज द बर्ड ही रेफर्स टू इन द पोएम, तो ही किसके लिए किया गया, द स्टार के लिए, तो ये हमारा तीसरे का हो जाएगा और ये आपके पूरे क्वेश्चनों के हो जाएंगे। ये हमारे तीसरे के बाद चौथे क्वेश्चन का आंसर सन हो जाएगा, और इसके हमें लिखने थे यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा क्लाउड और सन, इसका हो जाएगा नाइट में क्या चमकता है, तो तारे और यहाँ पर मून चंद्रमा। आशा करते हैं आपने अच्छे से देख लिया होगा इसको। ये आपको सभी एडिकेट पुस्तकों के संपूर्ण हल चाहिए, जैसे कि मान लीजिए कक्षा 5 है, इस प्रकार से ये वीडियो चल रही है, इसका हमें संपूर्ण हल देखना है, तो हम किस प्रकार से देखेंगे, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस चैनल के नाम पर दबाएंगे, तो इस चैनल के नाम पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से एक नया टैब खुल जाएगा। इस नए टैब में आपको यहाँ पर ये प्लेलिस्ट नाम का फोल्डर दिख रहा होगा यहाँ पर इस लाइन में, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये इस प्रकार से यहाँ पर टैब खुलकर आ जाएंगे, जैसे कि इसमें आपको दिख रही होंगी। तो इनमें से जैसे मान लीजिए ये पहला आपका टैब है, ये किसने कक्षा 7 का हिंदी का है, ये कक्षा 5 का है। जैसे कि मान लीजिए हमें कक्षा 7 की हिंदी का संपूर्ण हल देखना है, तो आप इसी पर दबा देंगे इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आप दबा देंगे तो इसमें क्या है कि इसके जितने भी वीडियो यहाँ पर अपलोड होंगे तो वो आपको यहाँ पर दिखने लगेंगे।